यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके 51 पद में आज पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उससे कहा कि तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। मित्रों ध्यान दीजिए कि यीशु यहाँ याकूब के स्वप्न के संबंध में ही कहता है। याकूब ने एसाव से छल किया था और भागकर अपने मामा के पास जाकर रहने लगा था। मार्ग में वह सो गया और उसने स्वप्न में देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी उतरी जिस पर स्वर्गदूत उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। वह सोचता था कि उसका परमेश्वर पीछे रह गया है। यह उसकी संकीर्ण मानसिकता थी। मित्रों परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि वह हर स्थान में उसके साथ है। यीशु के कहने का अर्थ था कि स्वर्गदूत उसकी सेवा में स्वर्ग से आएंगे और स्वर्ग लौट जाएंगे। उसे स्वर्गदूतों पर अधिकार था। इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे पर परमेश्वर था जिसने कहा, हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 में पढ़ते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, मसीह हमारे लिए सीढ़ी बन गया जिस पर से होकर हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मित्रों उसके द्वारा आप पिता के पास तभी पहुँच सकते हैं जब आप उस पर विश्वास करें और उस पर भरोसा करें। यूहन्ना का 1 अध्याय अधिक लंबा है वरन महत्वपूर्ण भी है। वचन देहधारी हुआ, वह स्वयं परमेश्वर है, अतः हमारे लिए परमेश्वर अब प्रकट है। उसकी गवाही यूहन्ना ने दी कि परमेश्वर का मेमना वह है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अन्द्रियस ने कहा कि वह मसीहा है। फिलिपुस ने कहा कि वह पुराने नियम की पूर्णता है और नतनेल के अनुसार वह परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर पुत्र और इसराइल का राजा है। मित्रों अब वह काना नगर में विवाह के उत्सव में गया जहां उसने पहला चमत्कार किया। पद 11 में अध्याय 2 के हम देखते हैं कि यूहन्ना लिखता है, यह यीशु का पहला चमत्कार था। वे जो कहते हैं कि यीशु बचपन में मिट्टी की चिड़ियां बनाया करता था और उड़ाता था, ये सब झूठ और बकवास है। यहां फिर यूहन्ना समय और स्थान को विशेष रूप से स्पष्ट करता है। फिर 3रे दिन गलील के काना में यह प्रभु यीशु की सेवा का आरंभ है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर 3रे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां पर थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। मित्रों कुछ बाइबल शिक्षकों का मानना है कि यीशु की माता विवाह करने वालों के रिश्तेदारों में से थी। यह संभव है और कल्पना भी की जा सकती है। वहां यीशु के साथ उसके शिष्य भी थे। यह समय फरवरी का माह था और इसके अंत या मार्च का आरंभ था। वर्ष था सन 27। यूहन्ना समय और स्थान के संबंध में अति स्पष्ट है। पिछले दृश्य में हम बैतसैदा में थे और अब हम गलील के काना में हैं। पद 12 में वह कफूरनहूम में होगा और पद 13 में वह यरूशलेम में जाएगा। यूहन्ना मरियम का नाम नहीं लेता है, वह उसे यीशु की माता कहता है। वह यीशु से बड़ी असामान्य याचना करती है। हम उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। मित्रों मैंने किसी स्वतंत्र विचारवादी का लेख पढ़ा जिसमें उसने यीशु को पियंकड़ कहा था। यह पुराने नियम की संस्कृति है और वहाँ भोज के समय दाख मधु दिया जाता था। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कॉकटेल पार्टी थी या कोई शराबियों की पार्टी थी, वह एक धार्मिक प्रथा थी। मित्रों आप यहाँ पर लिख लें कि इस विवाह उत्सव में पियंकड़पन नहीं हो रहा था। यीशु की सेवा का आरंभ विवाह उत्सव में हुआ और अंत भी विवाह उत्सव से ही होगा।
जब मेमने के विवाह में कलीसिया उसकी दुल्हन होगी। मित्रों, मूसा का पहला चमत्कार था पानी को लहू बनाना, यीशु का पहला चमत्कार था पानी को दाख मधु बनाना अर्थात दाखरस बनाना। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सत्य मसीह यीशु के द्वारा आए। ये कैसी विषमता है! मरियम के कहने का अर्थ क्या था? बेंगल ने ठीक ही कहा था कि मरियम के कहने का अर्थ था कि यीशु अपने शिष्यों को लेकर चला जाए। केल्विन के अनुसार उसके कहने का अर्थ था कि यीशु उपदेश दे तो उनका ध्यान दाख मधु से हट जाएगा। केल्विन वहां होता तो ऐसा ही करता कि अतिथि उसका उपदेश सुनकर सो जाएं। मेरे विचार में मरियम के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके कहने का अर्थ है कि वह अवसर यीशु के चमत्कार के लिए अच्छा था। हम लुकार्ची सुसमाचार एक अध्याय उसके 34 में जिब्राइल ने उसे कहा था कि वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण करेगी, और लुका एक अध्याय के 38 में उसने प्रतिक्रिया में कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। परंतु उसके कौमार्य पर सदैव प्रश्न बना रहा, अतः वह चाहती थी कि यीशु सिद्ध कर दे कि वह पवित्र आत्मा द्वारा है। यीशु उसे स्पष्ट कहता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार 2:4 में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु के कहने का अर्थ था कि वह उसके नाम को धो देगा, परंतु वहां नहीं। यीशु के क्रूसीकरण के समय मरियम क्रूस के निकट खड़ी थी। यीशु ने उससे कहा, जिसे हम यूहन्ना के सुसमाचार 19:26 में पाते हैं, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। मित्रों, यह उसका समय था। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के बाद मरियम उसके शिष्यों से निश्चय ही कहती होगी, मैंने कहा था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। रोम की कलीसिया को पौलुस ने लिखा 4:1, पवित्रता की आत्मा के भाव से भरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मित्रों, उसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए यीशु का मृतकों में से जी उठना आवश्यक था, अतः अभी उसका समय नहीं आया था। उसकी कुंवारी से जन्म लेना बड़े दिन द्वारा सिद्ध नहीं होता है, ईस्टर उसे सिद्ध करता है, क्योंकि वह वही है जो कहा गया था। हम यूहन्ना के सुसमाचार 2:5 में पढ़ते हैं, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ध्यान दीजिए, यह एक अति उत्तम परामर्श है। यह माता दिवस के लिए बड़ा अच्छा विषय भी है। हम देखते हैं यूहन्ना 2:6-7 में आगे लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, सो उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। ये पात्र अतिथियों के हाथ और पांव धोने के लिए पानी से भरकर रखे जाते थे, जो आज भी कहीं कहीं पर इसे अभ्यास में लाया जाता है। यीशु ने कहा कि वे उसे मुहामुह पानी से भर दें। हम यूहन्ना के सुसमाचार 2:8-10 में पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वृतांत को विवाद का विषय न बनाया जाए कि उस दाख मधु में नशा था या नहीं। यह मुख्य विषय नशे का नहीं है। यहाँ मैं वधू को नहीं देखता हूँ। आज सबकी दृष्टि वधू पर होती है और उसके कपड़ों पर होती है। पादरी और वर को कोई नहीं देखता। वर को देखने वाली केवल उसकी माता होती है। काना के विवाह में वधू का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान केंद्र का विषय वहां यीशु और पानी के पात्र थे। मित्रों, आपके और मेरे लिए इसमें एक महान आत्मिक शिक्षा है। हम पानी के ये पात्र हैं जो किसी महत्व की चीज नहीं है। यीशु हमें पानी से भरना चाहता है
और यह पानी क्या है? पानी परमेश्वर का वचन है। यह पानी जब हम में से निकलकर अन्य मनुष्यों के पास पहुंचता है, तब वह दाख मधु बन जाता है, अर्थात आनंद बन जाता है और उत्साह देता है, जो पवित्र आत्मा का कार्य है। इफिसियों की पत्री 5:18 में पौलुस लिखता है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा इस पानी को लेकर चमत्कार दिखाता है, जो होता हुआ भी नहीं दिखता, परंतु मनुष्य के जीवन से प्रकट होता है कि हमारे रेडियो कार्यक्रम से परिवर्तित जीवनों के पत्र जो हमारे पास आते हैं। हमारा यह पानी अर्थात परमेश्वर का वचन जब श्रोताओं को दिया जाता है, तब वह दाख मधु अर्थात आनंद में बदल जाता है। जो दुखी हैं वे आनंदित होते हैं, जो बीमार हैं वे चंगाई पाते हैं। मेरे मित्रों, वर्षों पूर्व मेरी भेंट एक दंपत्ति से हुई जो किसी रात्रि क्लब से बचाए गए थे। उन्होंने कहा कि वे अपनी प्रतिभा को यीशु के लिए काम में लेंगे। मुझे उनका विचार अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा, रात्रि क्लब में आपकी प्रतिभा क्या है? वे उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु मैंने उनसे कहा, देखो, जब आप और मैं यीशु के पास आते हैं, तब उसे केवल पापी ही मिलते हैं, पानी के गंदे पात्र। मैंने उन्हें कानानगर के विवाह में पानी के इन पात्रों के बारे में अच्छी रीति से समझाया कि यीशु उनको परमेश्वर के वचन से भर देना चाहता है और उसे दूसरों को परोसना चाहता है। मेरे मित्रों, मैंने कहा कि जब पवित्र आत्मा उसे परोसता है, तब वह दाख मधु बन जाता है, जो मसीह का आनंद है। यह दाख मधु हर एक विश्वासी के जीवन में नई उत्तेजना और जीवन का आनंद भर देता है। उन्होंने मेरा परामर्श स्वीकार किया। हम अच्छे मित्र बन गए। कुछ वर्षों बाद मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई और वे बड़े उत्साह से पुकार उठे, पानी के गंदे पात्र यहाँ हैं। परमेश्वर ने उन्हें उपयोग किया, परंतु रात्रि क्लब की प्रतिभा के द्वारा नहीं, उसने उन्हें वचन से भरा और उन्हें इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय मित्रों, यह एक अति उत्तम संदेश है। वह हमें वचन से भरना चाहता है और फिर वचन दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, ताकि उसके द्वारा लोग आशीष पाएं, उत्साह से भरें और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम वो पात्र हैं कि हम अपने में वचन को ले सकें। मेरे मित्रों, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में थे और उस चमत्कार को भी उन्होंने देखा, लेकिन आज सवाल यह है मेरे लिए और आपके लिए कि क्या हम वह खाली पात्र अर्थात वह गंदा पात्र बनना चाहते हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं कि हम पापी हैं। यदि हम ऐसा कर लेंगे तो निश्चय ही इस क्लब में जाने वाले दंपति की तरह हमारे जीवन में भी परिवर्तन होगा और हम भी उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, अर्थात वह मुझे और आपको शुद्ध करेगा, अपने वचन से हमें भरेगा और हमारे जीवन से दूसरों तक वचन को पहुंचाएगा और वे इसके द्वारा से आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु आज इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है।